अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए साबिया के पास चलते हैं, जो कि आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक रही है, उससे पूछ लेते हैं अब क्या हाल है उसके। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आए हैं साबिया को देख। साबिया क्या हाल है? तो आप लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ साबिया को क्या हो रहा होगा। साबिया उठ जाओ। तो ये पप्पो भतीजी जो है वो एक साथ सो रही थी, लेकिन अभी ये उठ चुकी हैं दोनों ही। तो आज फ्रेंड्स, आज रात इंशाल्लाह रमज़ान की चांद रात, और कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। उठो भाई। तो ये टॉर्मेंट्स कभी किसी के ख़त्म नहीं होते। ये सुबह में भी बड़ा मज़ा आता जब कोई कहता है ना उठ जाओ, और हम लोग कहते हैं बस टॉर्मेंट्स। तो वो वाली नींद ना सबसे अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं टास्क देने वाली हूँ साबिया को कि उसे उठाकर दिखाओ। बहुत भारी है साबिया, तुम ना इसे उठाकर दिखाओ। तो ये आप लोग देख सकते हैं। Oh my God. ये जो डंबल है वो इतना भारी है। वैसे ही आप लोग देखिए, ये देखते हैं कुछ पकड़ना नहीं चाहती है। सबसे पहली बात तो यही है, उसका हमेशा से दिल यही होता है कि आप लोग पकड़ रहे हो ना, मुझे क्या जरूरत है पकड़ने की। तो ये देखिए, ये देखिए, ओहो ये बेबी, कम ऑन, वेरी गुड। ये देखिए कर दिखाया बच्ची ने। आप लोग इसके लिए क्लैपिंग जरूर कीजिएगा। आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। नो, आई डोंट वांट। तो चलिए इन दोनों पप्पो भतीजियों को मस्ती करने देते हैं, और मम्मी जो है वो बच्चों को ट्यूशन दे रही हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि हम लोग बनाएंगे चाट मसाला, तो मम्मी ने वैसे ज्यादा क्वांटिटी में बना चुकी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ, मम्मी को चेक कराती हूँ कि मुझे वो बनाते हुए कितना समझ में आया। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना चाट मसाला। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये मैंने चाट मसाले का जितना भी सामान था वो सब रेडी कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कितना कितना सामान लिया है। तो ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मोटा धनिया, हाफ टी स्पून मैंने लिया है सौंफ, और ये मैंने लिया है 2-3 पिंच आपकी अजवाइन, और यहाँ मैंने ली है 10 से 15 आपकी काली मिर्च। ये क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो इससे मिर्च ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कि चाट मसाला होता है थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च वाला नहीं हमें खाना होता है, और खट्टा खट्टा सा, तो थोड़ी सी मिर्च होती है उसमें बस। और यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून लिया है हमने इसमें काला नमक, 1 टेबल स्पून हमने लिया है टाटा नमक, देश का नमक, 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें चीनी, और यहाँ हमने 4 टीस्पून हमने लिया है खटाई आपका अमचूर पाउडर, और ये हमने लिया है आपका 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। ये आपको ज़रूर चाहिए क्योंकि इसी से ही आपका ये बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सामान है इसको हम कर लेते हैं रोस्ट। बस हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर की जितनी भी नमी, इसको ऐसा मत कर दिएगा कि बिल्कुल आप लोग इसे काला कर दें, जला दें, ताकि मम्मी की या घर में सबको खबर हो जाए कि हाँ किचन में कुछ जल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है और इसकी बस हमें नमी ही निकालनी थी। अब हम गैस कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हम इसे जार में डालेंगे और फिर इसे पीस लेंगे। यहाँ ये देखिए आप लोग, ये अच्छे से हो चुका है बिल्कुल। थोड़ा 2 मिनट के लिए भी अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, और तभी जार में इसे डालिएगा। सो यहाँ पर हम इसे डाल देंगे जार में, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो हमारा और खटाई है, काला नमक है,
तो ये हमारा सामान सारा इसमें डल चुका है और अब हम इसे पीस लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको लगा दिया है और अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पिस चुका है, मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया पिसा है, आप लोग देखिएगा ज़रा। और इसे मैं जाके मम्मी को दिखाती हूँ और उनसे टेस्ट कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। सो यहाँ जो है ये पिस चुका है और अब मैं मम्मी को चेक कराने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में, जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मोनू भाई अपना मोबाइल चला रहे हैं। तो यहाँ मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी ये देखिएगा जरा, ये क्या करके ले आई? चाट मसाला। अब बताइएगा जरा मैंने कैसे बनाया है। सेमी है। तो ये है खुशी, जो कि बताएगी कैसा बनाया चाट मसाला। अच्छा है ये देखिए, देखिए बच्चों का आप लोगों को पता है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये चाट मसाला है भाई। तो मोनू भाई को भी टेस्ट कराया जाए और सारे बच्चों ने ले लिया है, सब बच्चे एक साथ बताएंगे कैसा लग रहा है। बताइए। अच्छा है। इसका मतलब मैं पास हो गई। यस। चने में है इसमें। कैसा लग रहा है भाई? चने? नहीं, बढ़िया। तो बस हमारी मेहनत कामयाब। आपकी मेहनत वसूल, मतलब मम्मी जी से तो हमने जो सीखा वो सीख लिया। बड़ी अस्सलाम वालेकुम। तो सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप सब लोग। जैसे कि रमज़ान का चांद दिख चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं। आपको दिखाती हूँ, अगर आप लोग देख पाएंगे। आईफोन मंगाते हैं इसके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, मे बी दिख रहा है क्योंकि वीडियो में मैं इतना ही कैप्चर कर पा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत चांद लग रहा है। चांद को देखकर दुआ मांगे ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, इस बार हमारे साथ एक न्यू मेंबर रुमैसा भी है, जिसने इस बार चांद देखा और बहुत खुशी हुई कि हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ी है और हमारे साथ रुमी चांद देख रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और हमने रुमैसा के लिए भी बहुत सारी दुआएं मांगी क्योंकि वो तो मान नहीं सकती, इसीलिए उसने हमें कहा है, तो इसलिए हमने मांगी। और आप लोग देखिए, यहाँ पे हम सब लोग चांद को देख रहे थे, लेकिन हमारी बच्ची जिद करेगी क्यों भाई, नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला उसकी सब पूरी करें। अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात पूरी करे, नॉट जिद्दी। चांद मुबारक मम्मी को। सब लोग मोहब्बत की नजरों से देखें। चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक। हम भी लेकर आइजा से। चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक। देख रहे हो? चल भाई मन को दो। रोशनी तो दिखा, वहाँ पे हूँ ना हूँ। रोशनी दिखा के जब मिलो जरा। अरे हाँ, ये थोड़ा सा, ये लोग सब इमोशनल हो गए, लेकिन दो लोगों की कमी हमें खल रही है। खल रही है बहुत ज्यादा। मैं खल रही है। मैं जा रहा बस बस इंडिया को जा रहा हूँ मैं। हैतिया सलाम करने, रमजान का चांद मुबारक करने। तो क्या कहना चाहेंगी आप सबको? अस्सलाम वालेकुम, रमजान का चांद बहुत बहुत मुबारक है।